हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग। आई होप आप सब ठीक होंगे और सेफ भी होंगे। आज की वीडियो में आप देखोगे मेरा मॉर्निंग रूटीन। उठते ही मैं बच्चों को बहुत सारा प्यार करती हूँ, बहुत सारे किसेस देती हूँ एंड देन मैं हैंड्स को रब करके अपना बॉडी एक्टिवेट कर लेती हूँ। इससे बहुत एनर्जी बूस्ट होती है एंड देन भगवान को थैंक यू बोल देती हूँ फॉर एवरीथिंग एंड देन मलासन पोज में पानी पीती हूँ। इससे ना स्टूल हमारा इजीली पास हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। स्पेशली अभी तो बहुत सारे टीनेजर्स को होता है ये। अब मेरा फेवरेट पार्ट आता है, मुझे ना दरवाजे और विंडोज़ खोलना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, पर मॉर्निंग में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही ऐसे खोलती हूँ ना, ऐसे जो वो बोलते हैं ना नेचुरल एयर, वो ऐसे ही फेस पर आती है ना, इतना सुकून मिलता है, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, भीनी भीनी सी खुशबू आती है, वो बहुत मूड को फ्रेश कर देती है एकदम। ये तो मैं बिल्कुल स्किप नहीं करती मॉर्निंग में उठने के बाद। इससे ना मेरा मूड इतना अच्छा हो जाता है और मुझे इतना फ्रेश फील होता है ना, ऐसा होता है कि दिन बन गया। वैसे मूड को और इम्प्रूव करने के लिए ना मैं लगा देती हूँ टीवी में कोई भी मंत्र का कोई चैंटिंग होता है या फिर हनुमान जी का कुछ हनुमान चालीसा होता है, कुछ भी लगाती हूँ। पर उससे पहले ना मैं ये ज़रूर लगाती हूँ, इससे ना बच्चे को बहुत मज़ा आता है, ये ना नाचने लगते हैं जब भी ये बजता है ना, सो ऐसे तेंगे तेंगे करके करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद तो जो ये हनुमान जी को देख के जय 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 करती रहती है ना, बहुत ही स्वीट लगता है। पता नहीं कौन सिखाता है इसको, ये अपने आप ही सीख जाती है सबको। ऐसे हम घर में किसी को भी देखती है तो लाइक ना वो बच्चे होते हैं ना, वो सबको ऑब्जॉर्व करता है कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये सब चीज़ सीखती रहती है। और जैसे ही टी वी में कहीं भी मंदिर रास्ते में भी कुछ भी दिख जाए ना, तो वो ऐसे जय जय करते रहती है। मैंने तो अपना काम तमाम कर दिया, अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। बाय द वे, ब्रश ना मुझे बाहर करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे रोड पे सबको देखना, गाड़ियाँ सब देखना, मुझे टाइम मेरा जल्दी निकल जाता है क्योंकि मुझे ना ब्रश करने में बहुत ही आलस आता है सच में। देखो आप लोग में से कौन कौन कोलाजन पाउडर को इनटेक करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि कोलाजन ना हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, इलास्टिसिटी इम्प्रूव करता है, रिंकल्स, फाइन लाइंस, एजिंग साइंस, नेल्स, ये जॉइंट पेन, मसल्स, बोन हेल्थ, इसको भी बहुत अच्छी तरह से क्योर करता है। कोलाजन पीने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ मेरा एक्सरसाइज, और पुच्चू टीवी देखती रहती है और वो अपना ब्रेकफास्ट करती है। वैसे एक्सरसाइज ना वेट को कंट्रोल तो करती है, पर लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है पता है, कि तुम तो बहुत पतली हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज की, हम तो घर का काम वैसे ही कर लेते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे में ही हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। पर बहन ऐसा नहीं होता है, एक्सरसाइज में और घर का काम करने में बहुत फ़र्क होता है। अभी स्ट्रेचिंग करते करते हम घर का काम नहीं कर सकते और घर का काम करते करते स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते, तो होता है बहुत सारा फ़र्क होता है, पर आप लोगों को पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पर एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और यहाँ पर पुच्चू मेरी कॉपी कर रही है, मैं जो जो कर रही हूँ ना वो रिपीट कर रही है और मेरी हंसी निकल जा रही है। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज होता है, जिससे ना जो बॉडी के सारे बैक्टीरिया होते हैं ना वो पसीने के जरिए बाहर आ जाते हैं और स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है। अभी कैमरा मैंने इधर किया ना तो ये ज़्यादा ज़्यादा करेगी, देखो देखो सेम टू सेम मेरी कॉपी कर रही है। एक्सरसाइज एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, टेंशन स्ट्रेस ये कुछ भी मतलब हमारे ओवरलोड नहीं हो सकता हमारे, क्योंकि माइंड की भी एक्सरसाइज होती है, बॉडी की भी एक्सरसाइज होती है। और एक्सरसाइज इट्स फन फॉर मी, आप कोई योगा कर लो, जिम कर लो, फिजिकल कोई भी एक्टिविटी होती है ना, उससे हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड की भी एक्सरसाइज होती है। ब्लड प्रेशर जिसका बहुत हाई लो, मतलब ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल में रहता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, कैंसर, मूड स्विंग्स, जो लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा हो, गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती है लाइक माइंड को लेकर, तो वो लोग मेडिटेशन कर लो या फिर एक्सरसाइज एज फोकस वाला जो भी काम होता है ना आप वो कर लो। आपकी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, और खुश रखो अपने आप को, कोई सी भी सिचुएशन हो ना तो ऐसे हाँ इट्स ओके हो जाएगा, कोई नहीं, बस ये रखोगे ना लाइफ में तो बहुत खुश रहोगे और किसी से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपने में ही रहो और अपने में ही खुश रहो, यही लाइफ का रूल है, मेरी लाइफ का रूल तो यही है।
क्योंकि मुझे ना पॉजिटिव रहना ज़्यादा पसंद है। कितने भी प्रॉब्लम्स लाइफ की, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, पर खुद पर ध्यान दो, खुद पर काम करोगे तो कुछ नहीं होगा, किसी से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक कोई किसी के हिसाब से हम नहीं चलेंगे कि यार किसी के हिसाब से हमें गुस्सा आता है, किसी के हिसाब से हमें हंसी आती है, किसी के हिसाब से हम उदास होते हैं। क्यों यार, हमने किसी और पर थोड़ी ना छोड़ दी है लाइफ, खुद के लिए जियो, खुद के लिए करो। और ये जब ये आप सोच लोगे ना कि हाँ डिसिप्लिन, तो आप बहुत लाइफ में बहुत आगे जा पाओगे। सच में बोल रही हूँ, कभी ट्राई करना खुद के लिए कि आज मुझे ये करना है तो वो करो। आपको अंदर से एक खुशी मिलेगी कि हाँ यार खुद पर भरोसा करना कितनी अच्छी बात होती है, वो करो। बाय द वे, मैं मॉर्निंग रूटीन में मोटिवेशनल वीडियो डाल रही कोई नहीं, एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और पुच्चू भी मेरे साथ अभी ये सेम मेरे जैसे पोज में बैठ रही है अभी, और ये भी ऐसे कर रही है, देखो सेम टू सेम। वो मैं तो एंजॉय करती ही करती हूँ, पर ये भी मॉर्निंग में इतना एंजॉय करती है, जो जो मैं करती हूँ ना वो वन बाय वन सेम टू सेम वही चीज़ें करती है। इसके बाद घर में जो कोई भी करता है ना, वो सबकी कॉपी करती है, उसको बहुत मज़ा आता है कॉपी करने में, इतनी स्वीट सी है ना, बहुत मज़ा आता है। एंड जब मेरा फिनिश हो जाता है ना, तो मैं रिलैक्स करके ऐसे हेयर को ना ओपन कर देती हूँ, क्योंकि जितना भी मतलब बहुत पसीना हो जाता है हेयर में, क्योंकि फिर पसीना रहने दोगे ना तो डैंड्रफ, हेयर फॉल, स्प्लिट एंड्स, फ्रिजे हेयर, और बालों की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। इतने कॉइल हो जाते हैं ना हेयर कि ऐसा लगता है रोज़ बाल धोए, पर रोज़ धोना तो पॉसिबल होता नहीं है। तो मैं ऐसे पंखे के सामने हेयर को ओपन करके फिर ऐसे ऐसे कर देती हूँ ना, तो थोड़ा मतलब पसीना सूख जाता है, ताकि मेरे हेयर को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे मेरे हेयर बहुत पसंद है। बाय द वे, सब बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होता है, क्या ऐसा होता है? क्योंकि मुझे तो नहीं हुआ, जिसको हुआ ना मतलब वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं हुआ इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, सॉरी। देखो कमेंट करना मुझे। और पता है आपको, जब एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो आपको फेस वॉश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पसीने से जो बैक्टीरिया बिल्डअप तो होते हैं ना, तो स्किन प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है। और कोरियन ग्लास स्किन का एक सीक्रेट है कि हम जब फेस वॉश करते हैं ना, तो पानी को ऐसे ही सूखने दो। हाँ ट्राई करना कभी। मैं बना रही हूँ ये ग्रीन टी, मतलब ग्रीन टी तो मेरी ख़त्म हो गई है, तो मैं इसमें मेथी दाना, ये जीरा और 3-4 लौंग, इससे मैं एक एनर्जी बूस्टर बनाती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। इसको पीने से ना कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर मेंटेन, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, स्किन ग्लोइंग होती है, जो हमारा फैट जो बढ़ जाता है ना हमारा, वो बर्न हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है ये एंटीऑक्सीडेंट टी। बीच में ही मेरा भाई आ गया था, उसको पता ही नहीं था कि मैं शूट कर रही हूँ, वो बोल रहा था मैं तो ऐसे ही आया भी जैसे। फिर मैंने बोला कि अगर तेरा मुंह आ गया ना, तो मैं एडिट करने में काटूंगी नहीं। इसमें मैंने हनी ऐड किया है, हनी ना आपकी बॉडी में वो हमारी बॉडी को क्लेंज करने का काम करता है। और नीचे ये पुच्चू खड़ी हो करना, मेरा पूरा ट्राइपॉड हिला रही है अभी थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ, उसके बाद मैं सिप सिप करके ये एंटीऑक्सीडेंट टी को एंजॉय करती हूँ, एंड उसके बाद मेरा मल्टीविटामिन टैबलेट एक ले लेती हूँ, और फिर उसके बाद मेरा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो जाता है। मैं घर का थोड़ा सा झाड़ू पोछा ऐसे काम घर का ख़त्म कर देती हूँ, वो काम सारा निपटा के फिर मैं पुच्चू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। लाइक बीच बीच में मैंने बहुत सारा टाइम उसने मेरा वेस्ट कर दिया था, और उसके साथ टाइम वेस्ट करने में मज़ा भी बहुत आता है। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन ना थोड़ा सा हिलडुल जाता है। वैसे देखो देखो ये नाच कैसे रही है, इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना तो बहुत टाइम चला जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर उसके बाद वो सो जाती है, फिर मैं नहाने के बाद अपना कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स तो खाने बहुत ज़रूरी है। जितने भी सीज़न में जितने भी फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, आप कोई से भी फ्रूट पर डेली कोई ना कोई फ्रूट खाओ, इससे हमारी स्किन, बॉडी सब कुछ अच्छा रहता है। और नहाने के बाद मेरा स्किन केयर मैं नहीं दिखा रही हूँ, आई एम सॉरी। आपको अगर चाहिए मेरा स्किन केयर रूटीन, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। मैंगो खा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे मैंगो बहुत पसंद है।
उसके और खाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा मेरा काम कर लूँगी, थोड़ा स्क्रिप्टिंग करना होता है और फिर उसके बाद एडिटिंग करना होता है, क्योंकि ये सब ना मैं पुच्चू सो जाए ना तब भी करती हूँ, वो जागती है तो मुझसे नहीं हो पाता है काम। देखो आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो वीडियो को लाइक करके भी जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मुझे बताते जाना कमेंट्स में कि नेक्स्ट वाले वीडियो कौन से लाऊँ मैं। बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। देखो आपको पुच्चू भी बाय बाय बोल रही है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।